हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केपी क्लासेस आज हम दिसंबर 2012 की पार्ट बी की प्रॉब्लम सॉल्व करें बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन की है तो हम इसके साथ थ्योरी भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि अगर हाइपरबोली का पूछा है कभी लिप्ट का पूछेगा कभी पैराबोला का पूछ सकते हैं तो सिंपल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इस हाइपरबोलिक इन चार क्वारेट होते हैं ठीक तो कौन से क्वाडेट में ये हाइपरबोलिक हमें मिलेगा तो देखिए सिंपल सा लॉजिक ठीक है पहले हम इसको थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई इक्वस टू जीरो इस टाइप की हमें कोई भी पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी यानी कि टू टाइम डेरिवेटिव वन टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड टू टाइम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो देखिए इसमें क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका स्क्वायर माइनस फोर टाइम दिस दिस कॉफिशियंट ठीक है ग्रेटर देन जीरो टू वी गेट हाइपरबोलिक लेस देन जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स इलिप्टिक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो मीन्स पैराबोलिक ठीक है फ्रेंड्स तो अब देखिए हमें तीनों कंडीशन पता चल गई इसकी थ्योरी पता चल गई कि कब लिप्टिक होता है कब हाइपरबोलिक होता है कब पैराबोला होता है तो अब देखिए इसमें पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स एंड वाई का कॉफिशियंट नहीं है तो देखिए बी की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी जीरो यू एक्स एक्स का कॉफिशियन कितना है वाई यू वाई वाई काफिशियंट कितना है एक्स तो देखिए कंपेरिजन करते हैं हम किससे वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू तो जीरो अब कंपेरिजन करते हैं तो हमें ए क्या मिला वाई बी क्या मिला ज़ीरो सी क्या मिला एक्स ठीक है अब हम चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो माइनस फोर वाई एंड एक्स तो टोटली तो फाइनली में क्या मिला फोर एक्स वाई ठीक है अब देखिए जो भी खेल है वो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पर देखिए हमें चेक करना है है ना इजीली समझना आप लाना है यानी कि इस ए स्क्वायर बी स्क्र माइनस फोर एस की वैल्यू हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन जीरो तो डिपेंड करता है इन एक्स एंड वाई पर तो देखिए माइनस ऑलरेडी गिवन है तो ठीक है तो हमें क्या करना है फोर बार ले लिया माइनस फोर एक्स वाई तो इस पूरी वैल्यू को लाना हमें पॉजिटिव यानी कि या तो एक्स को मैं नेगेटिव लूँ ठीक है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा या वाई को मैं क्या लूँ नेगेटिव तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है एक्स बढ़ा लूँ ठीक है एक्स ग्रेटर गे जीरो एंड वाई लेस देन ज़ीरो तो देखिए पॉजिटिव है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा हाइपरबोलिक दूसरी कंडीशन एक्स को ले लूँ जीरो से छोटा एक्स लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई को हमें क्या रखना पड़ेगा पॉजिटिव रखना पड़ेगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो तो देखिए इस वाला केस में हमें क्या मिलेगा माइनस फोर एक सेकेंड फोर ले लिया था माइनस एक्स आएगा ऑनली फोर ठीक है फोर एक्स को हमने लिया पॉजिटिव ठीक है वाई को हमने लिया नेगेटिव ठीक है और माइनस ऑलरेडी है ये माइनस तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस यानी कि पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो यानी कि हाइपरबोलिक अब इस वाले केसेस में माइनस फोर आउटसाइड एक्स नेगेटिव मीन्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 यानी कि ग्रेटर देन जीरो अब हम चेक करते हैं क्वाड्रेट तो देखिए कि किस क्वाड्रेट में हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू लेने पे हमें क्या मिल रहा है हाइपरबोलिक तो देखिए ये क्वाडेट आ गया इसमें एक्स पॉजिटिव होता है इसमें वाई पॉजिटिव इसमें x नेगेटिव इसमें y नेगेटिव ठीक है अब देखिए फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम x गेट दिन जीरो y लेस देन जीरो यानी कि ये वाला रीजन और y नेगेटिव किस वाला रीजन में आएगा ये वाला रीजन यानी कि फोर रीजन में ठीक है इस वाले रीजन में हमें क्या मिलेगा हाइपरबोलिक, ठीक है अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला क्वाड्रेंट y ग्रेटर देन जीरो कौन सा वाला आ गया ये वाला आ गया और x लेस देन जीरो यानी कि ये वाला आ गया यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट ये हो गया ये थर्ड हो गया ठीक है तो ये दोनों पॉइंट्स हमें कहा मिल रहे हैं एक तो सेकेंड वाले में और एक फोर वाले में ठीक है तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं वन भाई वन कौन सा सेकेंड एंड फोर फर्स्ट सेकेंड गलत हो गया सेकेंड थर्ड गलत हो गया फर्स्ट थर्ड गलत हो गया सेकेंड एंड फोर्थ तो ओनली इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्री हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी हमें तीन पॉइंट्स रिमेंबर करना है और उस हिसाब से हमने पॉइंट चेक कर लिया कि कौन से क्वालिट में हमें हाइपरबोलिक मिल रहा है क्या पता इस बार इलिप्टिक बेस पे क्वेश्चन आ जाए पैराबोलिक में आ जाए ठीक है तो हमें ये कंडीशंस याद होनी चाहिए कि ग्रेड देन जीरो होता है या फिर लेस देन जीरो ठीक है फ्रेंड्स तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हेलो फ्रेंड्स केपी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम दिसंबर 2012 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इंट्रिकल इक्वेशन की जो पार्ट बी के अंदर पूछी गई थी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हम उस इस क्वेश्चन की हेल्प से इजीली थ्री मार्क्स क्या कर सकते हैं कैचअप कर सकते हैं तो देखिए फोर्थ होमोजीनियस फ्रेड होम इंट्रिकल इक्वेशन फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैमडा जीरो टू वन इी फोर एक्स प्लस टी फाइव ऑफ टी डी टी ए नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हेन लैमडा हैज़ द वैल्यू तो इसमें से लेमडा की क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन के क्या मिले नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो लैमडा इक्वल्स टू टू अपॉन ई माइनस वन वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन वन अपॉन ई प्लस वन या टू अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन तो देखिए कि हमें इस फेडोमेंट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते सबसे पहले और हम उसकी हेल्प से क्या निकालते हैं आइगन वैल्यू यानी कि आउट करते हैं जिसके लिए हमें इस जो इक्वेशन का कैसा मिले नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले तो देखिए इसका तरीका ये की है सॉल्व करने का ठीक है फ्रेड ऑर्म के लिए तो देखिए फाइव ऑफ एक्स इक्व टू हमें क्या गिवन है लेमडा जीरो टू वन ई की पावर एक्स प्लस टी फाइव ऑफ टी डी टी ठीक है तो अब देखिए हम क्या करते हैं जो x के वेरिएबल है उनको क्या करते हैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो लेमडा ई की पावर एक्स जीरो टू वन E की पावर t फाइव ऑफ टी डी टी, टी। ठीक है फिर हम क्या करते हैं ये पूरे वेरिएबल को हम क्या मा... पूरे इस फंक्शन को क्या मानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर वाले फंक्शन को हम सी लेट कर लेते हैं ठीक है तो अब हमारे पास फंक्शन क्या आया Lambda e की पावर एक्स सी ये हमारा क्या आ गया फंक्शन ठीक है तो हमने क्या लेट किया था इस c को लेट किया था क्या लेट किया था जीरो टू वन ई की पावर टी फाइव ऑफ टी डी टी अब हम क्या करते हैं इस इंट्रीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस फाइव ऑफ टी की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे यहाँ से यानी एक्स वेरिएबल को हम टी से रिप्लेस कर देंगे तो देखिए फाइव ऑफ टी क्या आ जाएगा लेमडा की पावर टी और सी ठीक है वेरिएबल को हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं तो देखिए जीरो टू वन की पावर टी इस फाइव ऑफ टी की वैल्यू हम कहाँ से रख देते हैं यहाँ से यहाँ रख देते हैं क्या आ जाएगी लेमडा की पावर टी सी और डी टी अब लैमडा और सी तो कांस्टेंट है इसको हम ले लेते हैं बाहर पीछे क्या बचा ई e की पावर टू टी और डी ठीक है अब हम इसका सिंपली क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए सी इक्वल्स टू लैमडा सी ई की पावर टू टी अपॉन टू, टू जीरो टू वन ठीक है तो अब देखिए सी इक्वल्स टू सी अपॉन टू टू हमने बाहर ले लिया अब वन बाई वन लिमिट पुटअप करते हैं अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा ई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक ही पॉट जीरो यानी कि वन ठीक है अब देखिए हम इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं तो देखिए सी माइनस लेमडा सी अपॉन टू ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो ठीक है अब देखिए सी हम क्या करते हैं कॉमन ले, ले लेते हैं तो देखिए सी वन माइनस लेमडा पॉइंट टू ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट गिवन ठीक है मीन्स सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो क्या होगा ये अंदर वाली कंडीशंस तो वन माइनस लेमडा पॉन टू ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो ठीक है वन माइनस लेमडा पॉन टू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो देखिए वन इक्व टू लेमडापॉन टू ई स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि किसके लिए सॉल्यूशन नॉन ट्रीवल है तो देखिए टू इक्व लैमडा ई माइनस वन तो लैमडा टू ओपन ई स्क्वायर माइनस वन हमारे लैमडा की क्या वैल्यू मिली टू ओपन ई माइनस वन तो हम वन बाई वन ऑप्शन चेक करते हैं ई स्क्वायर प्लस वन गलत हो गया ई प्लस वन गलत हो गया ई माइनस वन भी गलत हो गया तो टू ओपन ई e स्क्वायर माइनस वन किस में आ रहा है ओनली ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है तो इतना सिंपल क्वेश्चन था और हम इजीली इसके इससे तीन नंबर ले सकते हैं ठीक है थीके? इस अप्लाइड पोर्शन से तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया था और इसका क्या आंसर है फोर ऑप्शन सही है। हेलो फ्रेंड्स केपी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम जून 2013 की पार्ट बी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है ठीक है जिसमें हमको उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन है कंसीडर द इक्वेशन ऑफ एन आइडियल प्लेनर डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्र इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स वेयर एक्स डिनोट द एंगल ऑफ डिसमेंट फॉर सफिशियंटली स्मॉल एंगल ऑफ डिसप्लेसमेंट द सॉल्यूशन इज गिवन बाय वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट तो देखिए हमें ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक तरह से ठीक है तो देखिए क्या गिवन हमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स अब ये देखिए जो साइन एक्स का जो एंगल है वो क्या डिनोट कर रहा है सफिशियंटली स्मॉल एंगल है है ना तो हम देखिए क्या कर सकते हैं इस साइन एक्स को हम किसके अप्रोक्सीमे एक्स के इक्वल हम लेट कर सकते हैं तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है कि फिसियंटली स्मॉल एंगल तो हम इस साइन एक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं एक्स के इक्वल तो हमारी इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी माइनस एक्स ठीक है अब इसको इस तरफ ले आते हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस एक्स एक्स जीरो. तो देखिए इसका राइट हैंड साइड जीरो है. तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा जीरो ओनली तो फॉर क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनल आएगा यानी कि वही उसका क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन आएगा ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है टोटली सी एफ प्लस पी आई तो अब राइट हैंड साइड जीरो है इट मींस पी आई क्या आ जाएगा उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन ओनली फॉर क्या आएगा सी एफ ही उसका क्या आएगा सॉल्यूशन होगा तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं डी स्क्वायर प्लस वन एक्स इक्व टू जीरो ठीक है अब देखिए पुट डी बराबर एम तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर प्लस वन इक्व टू ज़ीरो तो इस एम के रूट क्या आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा तो हम जानते हैं कि जब किसी के रूट अगर प्लस माइनस आयोटा आ रहा है तो किस टाइप का फंक्शन फाइंड आउट होगा हमें साइन एक्स और कॉस एक्स टाइप का तो देखिए इसका सी क्या आ जाएगा ए कॉस टी ठीक है टी वेरिएबल है प्लस बी साइन टी ये इसका क्या आ गया सी एफ और ये इसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा यानी कि एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी तो ये इसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा किसका जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी तो अकॉर्डिंग टू तो अगर ऑप्शंस मैच करे तो ये तो स्ट्रेट लाइन है गलत हो गया इसमें एक की पावर पॉवर्टी के फंक्शन आ रहे हैं ये भी गलत हो गया इसमें आईपरबोलिक आ रहा है तो ये भी गलत हो गया इसमें ओनली फोर हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है तो ओनली फोर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ट्री हो जाएगा तो ये क्वेश्चन जून दो हज़ार तेरह पार्ट बी में तीन नंबर के मार्क्स में पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमें सीधा बेसिक बी एस सी लेवल का ये क्वेश्चन हमको लग रहा है जिसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना था तो तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका के क्लासेस में स्वागत है आज हम दिसंबर 2013 की पार्ट की पार्टशियल इक्वेशन और पार्ट सी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन है ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है ठीक है लेट पी एक्स वाई बी ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्सल डिफरेंस लिक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर देन पी टू थ्री इक्वल्स टू मीन्स एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू थ्री तो इसका आंसर क्या होगा टू एट ट्वेल्व एंड टेन तो देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करते हैं जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम क्या लेट करते हैं डी डैश सॉरी y को ठीक है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या करते हैं हम d करते हैं ठीक है थीके? तो देखिए जब एक्स वाई वेरिएबल होते हैं चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें हम जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं और एक्स वाई वेरिएबल हो ठीक है तो हम उसका क्या करते हैं जो इस तरह का ऑपरेटर uh, है उसके लिए हम क्या करते हैं एक्सपेंशन रूल क्या करते हैं फॉलो uh, करते हैं ठीक है थीके? तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इक्व टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर अब पी आई हमको फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है पी आई उसका क्या नाम दिया गया है पी एक्स एंड वाई तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है तो क्या आता है वन पॉइंट डी स्क्वायर माइनस डी डैश और टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो अब देखिए हमने वन पॉइंट डी स्क्वायर कॉमन लिया तो वन माइनस वन पॉइंट डी डैश माइनस डी स्क्वायर ठीक है टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये आ गया हमारे पास अब हम क्या करते हैं इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव ठीक है ये आ गई नेगेटिव टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर तो देखिए जब डी डैश ऊपर हो यानी कि नूमरेटर में हो क्या हो नूमरेटर में मीन्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो डिफ्रेंशिएशन होगा किसका y का और डी है मीन्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है और डिनोमिनेटर में हो डी डैश तो मीन्स इंट्रीगेशन विथ रेस्पेक्ट टू y एंड जब डी डिनोमिनेटर में हो तो इंट्रीगेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो ये ध्यान रखना डी अगर ऊपर है तो डिफ्रेंशिएशन होगा और नीचे है हर के अंदर तो इंट्रीगेशन होगा ठीक है अब देखिए इस एक्स स्क्वायर का डी डैश के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा जीरो अब इसमें वाई की पावर एक है तो इसका डी डैश के रेस्पेक्ट में एक ही बार इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है अगर डी स्क्वायर आ गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है ओनली वन है तो इसका हम एक्सपेंशन कितनी बार करेंगे ओनली फॉर वन बार तो देखिए क्या होता है वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन तो ये होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डॉट 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 सो वन तो हमको एक बार एक्सपेंशन करना है यानी कि इसका वन प्लस एन एक्स तक ही इसका एक्सपेंशन करना है तो देखिए वन अपॉइंट डी स्क्वायर वन प्लस डी डैश अपॉन्ट डी स्क्वायर टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर हमने एक बार क्यों किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है कहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे ठीक है विद रेस्पेक्ट टू डी डैश यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में तो देखिए वन पॉइंट डी स्क्वायर अब वन का इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आ जाएगा टू आई माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है टू आई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो गया वन अपॉन्ट डी स्क्वायर अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डी डैश का एक्स स्क्वायर में जीरो हो जाएगा क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेरीवेटिव है तो इसका वाई का हो गया वन पीछे कितना बचा टू ठीक है ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया अब वन अपॉन्ट डी स्क्वायर है मीन्स इंट्रीगेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब डिनोमिनेटर में डी हो उसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो अब देखिए टू का हमको दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो देखिए टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब देखिए टू का एक बार इंटीग्रेशन किया तो एक्स आ गया दो बार करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स से एक्स स्क्वायर वापस कट गया अब हमारे पास क्या बचा है ओनली फोर वन पॉइंट डी स्क्वायर टू वाई ठीक है तो यानी कि हमको अब करना है ये टू वाई तो क्या है एज इट इज कॉन्स्टेंट है तो हमको दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो देखिए क्या आ जाएगा टू वाई इट इज एक बार करेंगे तो आएगा एक्स दूसरी बार करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा तो यानी कि एक्स स्क्वायर बाय टू आ गया तो टू से टू वापस कैंसिल आउट हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा पी एक्स वाई क्या आया हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर यह हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू कोमा थ्री पे यानी कि एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू थ्री तो देखिए थ्री वाई की जगह एक्स की जगह टू का होल स्क्वायर तो क्या आया थ्री इंटू फोर यानी कि ट्वेल्व तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सिंपल सा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना था और हमको उस पर एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करनी थी तो थैंक यू फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक like करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केपी क्लासेस आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है जैसे लाइक दैट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एंट्रिकल इक्वेशन है उस टाइप के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है बहुत ही ईजी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक ना एक ट्रिक्स मिलेगी ठीक है जो जैसे अभी 2020 हज़ार बीस का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही आपकी हेल्पफुल नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो हम दिसंबर 2013 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और जो राउन स्किन की है ठीक है और पार्ट बी की प्रॉब्लम है तो लेट डब्ल्यू बी द रॉन्सकिन ऑफ द लेनियरली इनडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द ओ डी अब देखिए फ्रेंड्स रॉन्सकिन है लेनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स हमें रॉन्सकिन का जो सेट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है एल आई इट मीन्स जो रॉन्सकिन होगा वो क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है जो भी इंटरवल हमको गिवन होगा उसमें लॉन्स्किन की वैल्यू क्या आएगी नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें जो लॉन्सकिन दे रखा है उसका सेट क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट क्लियर फ्रेंड्स ठीक है इसको एक और नाम से बोलते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं फंडामेंटल क्या कहते हैं फंडामेंटल सेट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दोनों एक ही चीज़ है या फिर क्वेश्चन के अंदर फंडामेंटल सेट गिवन होगा या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है टू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टी स्क्वल टू जीरो एंड टी बिलोंग्स टू आर देन दॉर ऑल टी देर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट डब्ल्यू टी इज सी इकी पॉर माइनस टी सी इी पॉर माइनस टी बाई टू सी इकी पॉर टू टी एंड सी इक माइनस टू टी तो देखिए हमको इसका राउंड स्किन चेक करना है तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो ठीक है उसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं वाई डबल डैश प्लस वाई डैश अपॉन टू प्लस टी स्क्र अपॉन टू वाई इक्व टू जीरो तो यहां पे y वाई डैश काफिशियंट कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ वाई डैश क्या कहलाता है पी एक्स ठीक है जो वाई डैश का कॉफिशेंट होता है वो क्या होता है पी एक्स तो हम जानते हैं अबेल थ्योरम क्या जानते हैं अबेल थ्योरम किसके लिए रॉन्सकिन फाइंड आउट करने के लिए तो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू सी ई की पावर माइनस पी एक्स डीएक्स ये क्या कहलाता है हमारा अबेल थ्योरम ठीक है यानी कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं रॉन स्किन फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए अगर हम इसकी कंपेरिजन करें पी एक्स की तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है वन अपॉन टू ठीक है और अब हम यूज करते हैं डब्ल्यू अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टी वेरिएबल के फॉर्म में चल रहा है यानी कि फंक्शन चल रहा है वाई और टी की फॉर्म में है ना तो हमने फार्मूला ड्राइव किया है y और x की फॉर्म में तो हम x को तो रिप्लेस कर सकते हैं t में ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में हमको t वेरिएबल की बने ठीक है थीके? तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज कर सकते हैं तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा t c e की पावर माइनस पी टी डी टी ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फार्मूला आप एक ही याद रखो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं तो देखिए पी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है वन बाई टू ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वन बाई टू रख देंगे तो देखिए सी ई की पावर माइनस वन पॉइंट टू डी टी ठीक है तो वन पॉइंट टू बार डी टी का क्या हो गया टी तो इक्व टू क्या आ गया सी ई की पावर माइनस टी बाई टू ये क्या आ गया हमारा रॉन्स की क्या आ गया डब्ल्यू टी इक्वल टू सी ई की पावर माइनस टी बाई टू तो हम कोई ऑप्शन चेक करें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था रॉन स्किन के ऊपर था और ये किस कितने मार्क्स में पूछा गया था थ्री मार्क्स के अंदर पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और मैं एक रॉन स्किन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है तो इसमें हमको ये याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वाई डैश डबल डैश का कॉम्पिशन क्या होना चाहिए वन होना चाहिए और वाई डैश का कॉपिशेंट पी एक्स और वाई का कॉफिशियट क्यू एक्स तो हमको मेनली क्या चाहिए हमको पी एक्स जो किसका कॉफिशियंट है वाई डैस का तो फार्मूला क्या है वेल फार्मूला कि डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू सी की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम इसको फार्मूला को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं वेरिएबल जैसे टी है तो टी ले सकते हैं जेड होगा तो जेड ले सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें